नमस्कार, आप देख रहे जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होनी है। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, वहीं दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव प्रभारी इस दौरान शामिल होते नजर आएंगे। जेपी नड्डा, अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं यूपी की बची हुई सीटों पर इस दौरान मंथन होगा। वहीं कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होती नजर आएगी, जिसमें पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होती नजर आएगी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें, यूपी की बची हुई सीटों पर इस दौरान मंथन होगा, क्योंकि बीजेपी जल्द ही तीसरी सूची जारी करने वाली। वहीं कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होती नजर आएगी, जिसमें पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। ये बैठक आज आयोजित की जाएगी। दोनों डिप्टी सीएम भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। यूपी की बची हुई सीटों पर इस दौरान मंथन होता नजर आएगा। वहीं कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाएंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहने वाले हैं। साथ ही प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक को लेकर, जिसमें यूपी की बची हुई सीटों पर मंथन होता नजर आएगा। वहीं कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाते इस दौरान नजर आएंगे। वहीं यूपी की बची हुई सीटों पर इस दौरान मंथन होगा। आपको बता दें, पहली सूची में उत्तर प्रदेश से उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी, लेकिन दूसरी सूची जो बीजेपी द्वारा जारी की गई, उसमें उत्तर प्रदेश के किसी उम्मीदवार का जिक्र नहीं किया गया। उसमें उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों को लेकर कोई जिक्र नहीं था, लेकिन अब उम्मीद जरूर है कि तीसरी सूची में उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटों पर जो उम्मीदवार हैं उनकी घोषणा कर दी जाएगी। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होती नजर आएगी। कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें पीएम मोदी उम्मीदवारों पर मुहर लगाते नजर आएंगे। पहली सूची में उत्तर प्रदेश के 51 उम्मीदवारों का जिक्र किया गया था। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनुप कुमार सिंह तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अनुप, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी की बची हुई सीटों पर मंथन होना है, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होती हुई नजर आएगी, क्या कुछ बड़ी बातें रह सकती हैं इस दौरान? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोर ग्रुप की आज दिल्ली में बैठक है, उसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अमित शाह गृह मंत्री, ये सब तमाम नेताओं के बीच में आज उत्तर प्रदेश के लिए अहम फैसला होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 29 सीटें रह गई हैं उन पर आज फैसला होना है। 51 सीटों की लिस्ट पहले आ चुकी है, उसके बाद आज उत्तर प्रदेश के लिहाज से आज दूसरी लिस्ट पर जो मंथन होना है, जिसमें खासकर और बात करें सत्यदेव पचौरी की, बात करें मेनका गांधी की, बात करें वरुण गांधी की, बात करें प्रयागराज की जो सांसद भाजपा की हैं रीता बहुगुणा जोशी की, बात करें संघमित्रा मौर्य की, बात करें गोंडा के जो सांसद हैं उनकी बात करें, तो ये तमाम ऐसे सांसद हैं जिनको लेकर आज उसमें निर्णय होना है कि आगे इन पर किस तरीके से मोहर लग पाएगी, क्योंकि 29 जो लोकसभा की सीटें हैं उनमें मंथन होना बाकी रह गया था कि इन पर विचार किया जाएगा, क्या इनको दोबारा मौका दिया जाएगा या इनका टिकट में कुछ संशय है। अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी इनकी नामों पर संशय बरकरार था और लगातार जो खबरें आ रही थी कि इनका टिकट काटा भी जा सकता है इन लोगों का, तो आज फाइनल इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद मोहर लगेगी और फिर उसके बाद केंद्रीय कोर ग्रुप के बाद चुनाव समिति की बैठक होगी।
जिन पर इन नामों पर भी मोहर लगेगी, उसके बाद फाइनल सूची जो 29 लोगों की उत्तर प्रदेश की रह गई है वो सामने आ सकती है। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो गया है, भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी उत्तर प्रदेश में जो लक्ष्य है, हालांकि लक्ष्य बड़ा है और चुनौती पूर्वक भी है, क्योंकि 80 में से 80 सीटों को पाना इतना आसान नहीं होगा। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि जो एनडीए के जो गठबंधन है उसको किस तरीके से उसका मात दिया जाए और उत्तर प्रदेश में खासकर जो 80 में सीटों का जो लक्ष्य रखा गया उसको जीत कर सामने आए। फिलहाल अभी इस 29 जो सीटों पर जो मंथन होना है उसके बाद पता लगेगा कि जो तमाम जो सांसद हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है कि दोबारा उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस पर थोड़ी देर बाद जानकारी मिलेगी बैठक के बाद कि किस तरीके से बैठक में क्या क्या मुद्दे रहे हैं। और खासकर उत्तर प्रदेश में और भी 4 जो सीटें हैं विधानसभा की, उस पर भी आज मंथन होगा, क्योंकि यहाँ से जो रिपोर्ट कल बैठक हुई थी उसको रिपोर्ट के बाद वो सूची भी रखी जाएगी कि उत्तर प्रदेश में जो 4 विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, खासकर दुद्धी की बात करें, गैसड़ी की बात करें, लखनऊ पूर्वी की बात करें, ये तमाम जो 4 जो सीटें हैं उन पे भी प्रत्याशी घोषित होने, तो उस पर भी मंथन आज की इस बैठक में हो सकता है। बिल्कुल अनूप, यहाँ पर जैसा कि देखा गया था कि पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों की घोषणा की थी, दूसरी सूची में उत्तर प्रदेश के किसी प्रत्याशी की यहाँ पर घोषणा नहीं की गई, लेकिन अब तीसरी सूची में ये उम्मीद है कि प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। तो ऐसे में मंथन का एक लंबा दौर चला है, तो ऐसे में क्या कुछ उम्मीद लगा सकते हैं पहली सूची को देखते हुए कि किस तरीके से जो 29 बचे हुए प्रत्याशी हैं उन पर किस तरह का डिसीजन भारतीय जनता पार्टी ले सकती है, क्योंकि आप कहते हुए नजर आए कि कई यहां पर प्रत्याशियों के पुराने प्रत्याशियों के टिकट काटे भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो 51 प्रत्याशियों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने पहले जारी की थी उत्तर प्रदेश के, उसमें से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम ऐसे प्रत्याशी जिनको रिपीट किया था, दोबारा मौका दिया था, लेकिन ये 29 ऐसे प्रत्याशी हैं, ऐसी सीटें हैं जिनमें जो घटक दल हैं, चाहे आरएलडी की बात करें या फिर सुभाषपा की बात करें या फिर निषाद पार्टी की बात करें या फिर अपना दल यस की बात करें, जो घटक दल हैं उनको भी इन्हीं सीटों में से उनको सीटें देना है, इसी वजह से उन पर मंथन होना बाकी था और फाइनल केंद्रीय नेतृत्व की मुहर तो आज कहीं ना कहीं इसकी रिपोर्ट के साथ साथ उस केंद्रीय नेतृत्व भी इस मामले पर अपनी चर्चा कर चुका है। आज चूंकि फाइनल बैठक होगी, फाइनल बैठक के बाद पहले से निर्धारित जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि अपना दल यस को भी 2 सीटें इस बार मिल सकती है लोकसभा चुनाव में, और आरएलडी अभी हाल में ही एनडीए का पार्ट हुई उसको भी 2 सीटें देने की बात सामने आई थी। उसके बाद सुभाषपा और उसके संजय निषाद या निषाद पार्टी को 1-1 सीटें देने की बात आई थी, तो आज उन प्रत्याशियों के साथ साथ इन पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। आज की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, बैठक के साथ साथ घटक दलों को सामंजस्य बनाना, यानी जब कभी कोई बड़ा परिवार होता है, कई परिवारों को जोड़ा जाता है, तो उनको इकट्ठा रह पाना, उनको संतुष्ट करना, ये एक बड़ी चुनौती होती है। और मुझे लगता भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस 2014 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं अपने परिवार को संभालने में, अपने परिवार को बनाने में कामयाब हुई है, तो आज भी इस बैठक के बाद जानकारी मिलेगी कि कितनी किसको सीटें, कितनी किसकी भागीदारी लोकसभा चुनाव 2024 में मिलेगी। यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बैठक होती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप जी तमाम जानकारी के लिए। पीएम मोदी उम्मीदवारों पर इस दौरान मुहर लगाएंगे, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज अहम बैठक होनी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कल मुंबई में समापन हो गया। इस दौरान इंडिया गठबंधन के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। यात्रा के समापन पर न पहुंच पाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है। इसमें अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के दृढ़ संकल्प को लेकर शुभकामनाएं दी हैं। बुलेटिन में रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी खबर बड़ी जानकारी रामपुर से सामने। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें,
आजम खान को आज कोर्ट सजा सुनाती नजर आएगी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आजम समेत उनके चार साथियों को कोर्ट सजा सुनाएगी। वहीं आजम समेत उनके चार साथियों को इस दौरान सजा सुनाएगी कोर्ट। सजा पर फैसला आज किया जाएगा। चर्चित डूंगरपुर प्रकरण में कोर्ट ने आजम खान सहित उनके चार साथियों को दोषी ठहराया था। घर में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़, धमकाने में दोषी करार किया गया था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आजम के चार साथियों को आज सजा सुनाई जाएगी। डूंगरपुर प्रकरण में कोर्ट ने दोषी ठहराया था। वहीं आजम खान को आज कोर्ट सजा सुनाने वाली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इसी खबर पर सुरेश कुमार हमारे सहयोगी रामपुर से हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे आजम के साथ ही उनके चार साथियों को आज कोर्ट सजा सुनाने वाली है, क्या कुछ था ये पूरा प्रकरण और किस तरीके से ये मामला बढ़ता हुआ आगे आया? देखिए, मैं बता दूं आपको, रामपुर का चर्चित डूंगरपुर मामला है। जब समाजवादी सरकार थी तब आजम खान ने डूंगरपुर में जो लोग रह रहे थे वहां से उन लोगों को हटाया था और कहीं ना कहीं ये फैसला उनके लिए आज गलत साबित हुआ है। डूंगरपुर वाला मामला 508/19 जिसमें कुल मिलाकर सात मुंजिम हैं। आजम खान, बरकत अली, अजहर अली, आल हसन, जिब्रान फरमान और उमेन चौहान। कोर्ट एमपीएलए कोर्ट ने जो है चार लोगों को सजा सुनाई है जिसमें आजम खान और आजम खान है और उनके जो सहयोगी होंगे चार लोग हैं जिसपे उनके आज केस की सजा सुनाई गई है। और जो फैसला आएगा आज कोर्ट के अनुसार आएगा, लगभग डेढ़ या दो बजे तक कोर्ट का फैसला आ जाएगा। इसमें जो दोषी हैं वो सात लोग हैं और तीन लोगों को बरी कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा। चार लोग जो होंगे वो मैन होंगे, आजम खान, आल हसन खान, अजहर अली खान और बरकत अली खान। जी, डूंगरपुर प्रकरण में आज कोर्ट सजा सुनाती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी तमाम जानकारी के लिए। डूंगरपुर प्रकरण में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था। अंबेडकर नगर में कुछ अलग करने की तमन्ना लिए दो भाइयों ने कार को मॉडिफाई कर हेलीकॉप्टर बना दिया। हालांकि वे आगे इसका इस्तेमाल कर पाते उससे पहले ही पुलिस ने इस हेलीकॉप्टर को अपने कब्जे में ले लिया। दोनों भाइयों ने कार को हेलीकॉप्टर बनाकर शादियों में बुकिंग करने की सोची थी। उनका प्लान था कि इस हेलीकॉप्टर से शादियों में बुकिंग कर दूल्हा दुल्हन को लाएंगे और पैसा कमाएंगे, लेकिन दोनों भाई अपनी मंशा में सफल हो पाते उससे पहले ही पुलिस की कार्रवाई ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि परिवहन विभाग के नियमों के तहत किसी भी वाहन का बिना परमिट के मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। अब ये वाहन आज मिला है तो इसे कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। हवा में लड्डू और लड्डू लूटते रंगों में सराबोर लोग, ये बेहद ही खूबसूरत होली का नजारा राधा जी के गांव बरसाना में ही देखने को मिलता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हवा में लड्डू और लड्डू लूटते रंगों से सराबोर लोग, ये बेहद ही खूबसूरत होली का नजारा राधा जी के गांव बरसाने की है। होली के लिए मशहूर बरसाने में आज लड्डू होली के साथ रंगोत्सव 2024 की शुरुआत हो गई है। विश्व विख्यात लठमार होली की पूर्व संध्या पर लाडली जी मंदिर में लड्डू होली मनाई गई, जिसे देखने और लड्डू को प्रसाद के तौर पर लूटने के लिए लाखों श्रद्धालु बरसाना पहुंचे। लड्डू होली के अवसर पर लड्डू प्रसाद के रूप में कई टन लड्डू लुटाए गए। लड्डू को प्रसाद के तौर पर पाने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भीड़ बरसाना पहुंची। रंगों से सराबोर लोगों के चेहरों पर सिर्फ रंग और खुशी देखने को मिली। पहली बार बरसाना आई और अब तक मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है और सबके साथ एंजॉय करने में बहुत मजा आ रहा है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं और अच्छे से एंजॉय करूं और अपने साथ बहुत अच्छी मेमोरीज लेके जाऊं। मजा तो बहुत आया, बट भीड़ बहुत थी, जहाँ पे जैसे फंस गए थे, बट फिर भी बहुत मजा बहुत आया। दर्शन नहीं हो पाए बट फिर भी मजा बहुत आया। जितने भी लोग हैं अगर वो दूर दूर से यहाँ पे देखने आते तो बहुत मजा आता है। सबसे बेस्ट होली यहाँ की है। लड्डू मिला आपको? नहीं, क्योंकि हम वहाँ से ही वापस आ गए थे, बट फिर भी मजा बहुत आया कि हमने बरसाने की मिट्टी मिले। आप बरसाने में मौजूद है, आपने
आज की होली देखी, लड्डू बार होली थी, कितना कुछ आनंद आया, क्या कुछ कहना चाहिए? जी बहुत आनंद आया, हम हमेशा, हम कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं, हमेशा अपनी होली की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। बरसाने की लड्डू मार होली और लड्डू मार होली के बारे में क्या बताना? लड्डू मार होली यहाँ पर कल है और आज यहाँ पे लड्डू मार होली है। होली का नाम सुनते ही सबसे पहले बरसाने की होली जहन में आता है। इस साल होली का त्योहार भले ही देश में 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में अभी से ही इसकी शुरुआत हो चुकी है और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में यूट्यूबर अल्वेश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं पूछताछ के बाद अल्वेश को नोएडा पुलिस की टीम कोर्ट में पेश करती नजर आई। यहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिग बॉस OTT2 विजेता और यूट्यूबर अल्वेश यादव को आज नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले साल नवंबर में हुई रेव पार्टी के बाद से ही अल्वेश का नाम सामने आया। यही नहीं बल्कि अल्वेश की सांप के साथ भी कई वीडियो सामने आई और तो और जांच के दौरान भी कई बार अल्वेश से पूछताछ की गई। खुद अल्वेश यादव ने भी वीडियो बनाकर इस बात से साफ इनकार किया था कि उनका सांप तस्करी से कोई ताल्लुकात नहीं है और अगर सबूत मिलता है तो वो सरेंडर करने के लिए भी तैयार है। और आज ऐसे में पहले अल्वेश से कई घंटों तक पूछताछ हुई और उसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर मेडिकल के बाद कोर्ट में पेश किया गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सांप का जहर सप्लाई करने के मामले में अल्वेश यादव पर नोएडा पुलिस ने शिकंजा कसा। एक संस्था की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक्शन लिया। शिकायत में बताया गया कि रेव पार्टियों में सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही अल्वेश पर सांप के साथ वीडियो बनाने का आरोप भी लगा, जिसके बाद ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ छापेमारी की और कई सांप का जहर भी मिला। साथ ही दो मुहा सांप और सांप का जहर भी बरामद हुए थे, जिसके बाद पूछताछ में अल्वेश यादव का नाम भी सामने आया। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC के धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर अल्वेश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है कि अल्वेश यादव का नाम विवादों में आया हो। इससे पहले भी कई बार अल्वेश यादव का नाम विवादों में आ चुका है। कोबरा कांड, रेव पार्टी, जयपुर के रेस्टोरेंट में थप्पड़ कांड, गुरुग्राम में यूट्यूबर सागर ठाकुर संग मारपीट, स्वरा भास्कर संग पुराना विवाद, आशिका भाटिया संग भी पुराना विवाद रहा है, ध्रुव राठी संग पुराना विवाद। यानी कि साफ है कि अल्वेश यादव कई बार कॉन्ट्रोवर्सीज का हिस्सा रह चुके हैं। कोबरा कांड में पुलिस ने अल्वेश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अल्वेश की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। हाल ही में यूट्यूबर मैक्सटन के साथ मारपीट के बाद अल्वेश का नाम बाहर आया ही था, लेकिन थोड़े समय बाद ही नोएडा पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब एक बार फिर से अल्वेश यादव मुश्किलों में पड़ गए। यानी कि कहीं ना कहीं राव साहब का सिस्टम अभी तक बिगड़ता हुआ ही नजर आ रहा है। स्पेशल डेस्क, जनता TV। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।